सब्सक्राइब कीजिए कुमार टेक को और प्रेस कीजिए बेल आइकन सबसे जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो वीडियो कुछ आपको इस तरह से शूट करना है, पहला शॉट ऐसे और दूसरा शॉट ठीक इसी तरह से चल के सेम पोजीशन में शूट करना है, ताकि जब आप दोनों को एक साथ देखेंगे वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये करने के बाद चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो कहा था, उस तरह से आपको वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। आपको नहीं पता होगा कि मैंने ये शॉट कई बार शूट किया है मैच करने के लिए, क्योंकि दोनों के दोनों वीडियो सेम होने चाहिए। तो बार बार मैंने इसको एक के बाद एक रिकॉर्ड किया था, जब तक कि मैं सेम पोजीशन में दो शॉट में एक साथ चल सकूँ। तो जैसा कि मैंने बहुत बार ये ट्राई किया था, आप कोशिश कीजिए कि आप भी एक ही कतार में दो ड्रेस या फिर दो कपड़े या फिर किसी दोनों अदर पर्सन को लेके आप उसे सेम डायरेक्शन में चल सकें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप मैंने ये खुद पे ट्राई किया है डिफरेंट कपड़े में। तो आप चाहें तो दो कैरेक्टर लेके इसको सेम प्रोसीजर में कर सकते हैं। तो उसके बाद काइनमास्टर ओपन करना है, लेकिन काइनमास्टर ओपन करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया एक VFX डाउनलोड करना है दोस्तों। उसके बाद काइनमास्टर ओपन कर लीजिए, देन उसके बाद यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले मीडिया ब्राउजर पर क्लिक करना है, देन बैकग्राउंड चूज़ करना है। बैकग्राउंड में आप दोस्तों कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों आपने जो दोनों शॉट शूट किए थे वो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे एज ए लेयर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, आप देखेंगे मैं यहाँ पर लेयर पर क्लिक करता हूँ, देन मीडिया, उसके बाद मेरा जो फुटेज है वो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों मीडिया एक के बाद एक इंपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये पहला मीडिया है, फिर इसके बाद इसको स्प्लिट स्क्रीन में जाके फुल स्क्रीन कर देना है, फिर ओके करके फिर से लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर मीडिया पे जाना है फिर से, देन फिर से हमें दूसरा मीडिया जो है इम्पोर्ट करना है और इससे फिर से स्प्लिट स्क्रीन में क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। अभी क्या करें दोस्तों, मैं जो सेकंड में जो लेयर मैंने सिलेक्ट किया उसको मैं नेक्स्ट में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, पहले तो ब्लैक जो मैंने जो ब्लैक सॉलिड सिलेक्ट किया था उसको पहले ट्रिम कर लेता हूँ वीडियो के मुताबिक। तो मैं यहाँ पर इसे ट्रिम कर लेता हूँ, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, देन उसके बाद फर्स्ट में जाना है मुझे, देन उसके बाद मुझे यहाँ पर सीन देखना है कि मुझे किस सीन में मैच करना है दोनों शॉट को। तो मुझे मेरे ख्याल से लगता है ठीक इस पॉइंट पे, थोड़ा सा स्ट्रेच करके देख लेता हूँ, ठीक इस पॉइंट पे मुझे कुछ शॉट ठीक लग रहा है शायद। तो वो देखने के लिए सबसे पहले तो आपको पहले लेयर पे क्लिक करके फर्स्ट वर्किंग शॉट जो मैंने ये लिखा है उस पर क्लिक करके इसकी जो अपेसिटी है यानी कि अल्फा ओपेसिटी इसको थोड़ा सा घटा देना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दूसरा वाला था ये वाला, तो यहाँ पर मैं इससे इसका जो अल्फा ओपेसिटी है वो कम कर देता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेप ये मिल रहा है। तो थोड़ा सा कम करके मैं देख लेता हूँ कि दोनों की जो वॉकिंग स्पीड है या फिर वॉकिंग की जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कहाँ पर मैच कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ इस पॉइंट पे मैच कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर इसकी ओपेसिटी बढ़ा के इन दोनों को कट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक्सपेंड करना है इसको, स्ट्रेच करना है। तो मैं ठीक वही पॉइंट पे इसको कट कर दूँगा, स्प्लिट कर दूँगा। तो मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट मुझे जितना लग रहा है, तो मुझे यहाँ पर 124 करना है।
मेरा 124। तो अभी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके मुझे इस वाले लेयर को फ्रंट में लाना है, यहाँ पर विंग टू फ्रंट कर देना है। देन उसके बाद इसको जो है ट्रिम करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड। देन उसके बाद नीचे वाले लेयर को क्लिक करना है और इसको भी ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड करना है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, जब मैं वीडियो प्ले करूंगा जूम आउट करके, तो वीडियो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। तो ये हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर इसे सेव कर देना है, सेव वीडियो टू गैलरी। तो अभी कोई भी रेजोल्यूशन आप चूज कर सकते हैं, मैं यहां पर फुल एचडी चूज कर रहा हूं। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे, फिर बैक जाना है। देन यहाँ पर सारे के सारे वीडियोस को डिलीट कर देना है, लेयर को भी। फिर उसके बाद मीडिया ब्राउजर पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट किया गया वो वीडियो हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पर एक्सपोर्ट फोल्डर में, देन ओके करना है। अभी आप देखेंगे दोस्तों, ये वीडियो जब प्ले होगा ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो एक करेक्टर अपने आप चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी जो मैंने जो VFX आपको डाउनलोड करने के लिए कहा था, वो आप सिंपली यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करके वो लेयर आपको यहाँ पर डाल देना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। अगर आपके वीडियो के साथ वो मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, तो उसको उसे मैच करवाइए। और यहाँ पर क्रॉप पे आप इसको ऑफ करके यहाँ पर क्रॉप पे जाके इसे, सॉरी क्रॉप में बोल दिया, यहाँ पर इसको मैनुअली से ड्रैग करके फिट कीजिए। देन उसके बाद आप इसे क्रॉप करके अपने वीडियो के साथ मैच कर सकते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने वीडियो के साथ इसको मैच करके ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप इसे क्रॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, फुल स्क्रीन में। देन उसके बाद यहाँ पर क्रोमा की पे जाना है, इसको इनेबल करना है। फिर यहाँ पर जो की कलर है इसको ब्लैक सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इसे एडजस्ट करना है क्रोमा की डिटेल में। देन उसके बाद इसे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है कलर एडजस्टमेंट में, और ब्राइटनेस इसका जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है। देन फिर से आपको एडजस्ट करना है क्रोमा की पे। इसको तब तक एडजस्ट कीजिए जब तक आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको इसको प्रैक्टिस करना है बहुत बार, ताकि आपको एक गुड रिजल्ट मिल सके। तो मेरी मानो तो आप इसे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि आपको गुड रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो ये बनने के बाद वीडियो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पर ऑडियो इफेक्ट डाल सकते हैं। ऑडियो इफेक्ट डालने के लिए आपको इंटरनेट पे सर्च करना है इसके बारे में, हालांकि डिस्क्रिप्शन में इसका ऑडियो क्लिप भी आपको मिल जाएगा, ऑडियो क्लिप का लिंक। तो वो डालने के बाद आप वीडियो को आसानी से बना सकते हैं। तो ये करने के बाद आप यहाँ पर प्रेस कीजिए, देन सेव वीडियो टू गैलरी। कोई भी नेम यहाँ पर, कोई भी रेजोल्यूशन आप यहाँ पर चूज करके अपने मन चाह फॉर्मेट में वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। अगली बार मैं थोर का लाइटनिंग इफेक्ट लेके आ रहा हूँ दोस्तों।